ओके हाय गाइस, आप लोग ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, आपने ब्लड डोनेशन कराया और वहाँ पर ब्लड टेस्ट हुआ आपका और आपको पता पड़ा कि आपकी हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। ब्लड डोनेशन के टाइम पे वो हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट होता है वो सब पेशेंट करवाते हैं और आपको पता पड़ा है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। अब आप टेंशन में आ गए, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सुबह जिम करके आया हूँ, अभी खाना पूरा खाता हूँ, ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? या फिर आपने कोई सर्जरी प्लान करी और सर्जरी से पहले डॉक्टर या सर्जन आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें आपको पता पड़ता है कि आपकी हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, तो इसे क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, राइट? वो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। देखिए, हेपेटाइटिस बी का जो एंटीजन है या उसके जो वायरस का रिपोर्ट आपको पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे अब तो लाइक ख़राब हो गया है और अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पॉजिटिव आ गया है और आप एकदम हेल्दी हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आपको एक लीवर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। वो लीवर की डॉक्टर्स होते हैं और आपको हर जगह कहीं ना कहीं पे, मतलब सिटी के अंदर होते हैं डॉक्टर, ऐसा नहीं कि सर ये डॉक्टर आपने बताया तो मिले ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होंगे, ये प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं, तो लीवर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, उनसे आपको मिलना है और वो आपको सारा ट्रीटमेंट आपका इसके बाद में बता देंगे। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है और इसके क्या आगे इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या रिस्क होती है, ऐसा सब चीज़ें। देखिए, रिपोर्ट पॉजिटिव आई इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस है, शरीर मतलब आपके ब्लड के अंदर वो वायरस सर्कुलेट हो रहा है। अब दूसरा सवाल कि सर ये वायरस आ गया है, अब ये क्या करेगा, मतलब मेरे अंदर है, मेरे बाकी फ्रेंड्स के अंदर नहीं है, तो क्या ये उनके अंदर भी जा सकता है क्या? तो देखिए, ये वायरस फैलता इसी तरीके से है जैसे कि HIV फैलता है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो हो सकता है, या फिर आपने निडल शेयर करी है, एक पेशेंट की निडल दूसरे ने भी लिए जो कि ड्रग अब्यूजर्स करते हैं, उससे हो सकता है, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल अपने बच्चे में ट्रांसमिट कर सकती है। ये सब होता है जैसे कि HIV में ही होता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि 95% पेशेंट जिनमें कि वायरस एंटर करा है वो इसको अपने शरीर से 6 महीने के टाइम में अपने आप ही निकाल देते हैं और ये वायरस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, राइट? लेकिन 5% पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर ये वायरस बॉडी के अंदर रह जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, जो कि आप जब ब्लड डोनेशन करते हो और आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको पता पड़ता है कि आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। अब तीसरा सवाल, ये वायरस शरीर के अंदर है तो अब सर ये क्या करेगा, मतलब मुझे तो कुछ भी सिम्टम्स फील नहीं हो रहा है, मैं एकदम हेल्दी फील कर रहा हूँ, तो ये वायरस क्या कर सकता है, फ्यूचर में क्या कर सकता है, सर फ्यूचर का बताओ। देखिए, अगर हम लोग स्टैटिक्स पे जाएंगे, मतलब डेटास पे जाएंगे जो कि रिसर्चर साइंटिस्ट डॉक्टर निकालते हैं कि उन्होंने 100 पेशेंट 1000 पेशेंट 2000 10,000 पेशेंट्स को स्टडी करा तो उन्होंने क्या देखा, तो जब उन्होंने 10,000 ऐसे पेशेंट जिनको कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ था, क्रॉनिक इन्फेक्शन, उनको स्टडी करा तो देखा कि उनमें से 80% पेशेंट, मतलब कि 8,000 पेशेंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन 2,000 पेशेंट, मतलब 20% पेशेंट में लंबे टाइम के बाद में लीवर खराब होना चालू हो गया है, जिसको कि हम लोग सिरोसिस ऑफ द लीवर कहते हैं। अब आप बोलोगे सर 80% पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, 20% में लीवर ख़राब हो गया, तो 20% भी तो एक बड़ा अमाउंट होता है, ऐसा तो नहीं है ना? अगर हम लोग 100 पेशेंट को देखेंगे तो 100 का 20% 20 हो गया, 10,000 का 20% 2,000 हो गया, तो 2,000 पेशेंट में लीवर ख़राब हो गया, 10,000 हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में से 2,000 में लीवर ख़राब हो गया, तो बड़ा अमाउंट है। तो यस, बड़ा अमाउंट तो है, लेकिन इसको ऐसे समझिए, मैं आपको एक सेलिब्रिटी एग्जांपल देता हूँ, उनको भी हेपेटाइटिस बी है और आप समझिए उसको कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। तो ये करता है लीवर के अंदर, ये जो वायरस होता है आपके ब्लड के अंदर रहता है, लीवर के अंदर रहता है और धीरे धीरे लीवर को डैमेज करता है, और उस लीवर के डैमेज होने को हम लोग लीवर सिरोसिस का नाम देते हैं, जो कि 20 साल में भी हो सकता है, 25 साल में भी हो सकता है, 30 साल में भी हो सकता है। सपोज़ आपकी उम्र अभी 25 साल है और आपको पता पड़ा है आप ब्लड डोनेशन करने गए, और ये मैक्सिमम टाइम पे ऐसे पता पड़ता है, या तो आप ब्लड डोनेशन करने जाते हो तो आपको पता पड़ता है कि यार मेरी रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है, या फिर आपने कोई सर्जरी के लिए प्लान कराया और आपके ब्लड टेस्ट सर्जन ने कराया तो पता पड़ता है, राइट? आप हेल्दी हो, 25 साल के, आपको पता पड़ा लीवर आपको हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है, फिर डॉक्टर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कराएगा, वो देखेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट मतलब खून की जांच होती है, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, वो देखेगा इसमें पेशेंट के एंजाइम AST, ALT, SGOT, SGPT, वही
गामा जी जी टी अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये सब नॉर्मल है, बिलरुबिन नॉर्मल है। ओके, फिर वो डॉक्टर जो होगा वो ये देखेगा कि आपके ब्लड के अंदर वायरस के नंबर्स कितने हैं। जैसे कि 1 ml ब्लड, एक बूंद खून के अंदर 50,000 वायरस हैं या 20,000 वायरस हैं, कितना है आपका वायरल लोड कितना है वो ये चेक करेगा। उसको चेक करने के बाद में डॉक्टर फिर आपको एंटीवायरल ड्रग चालू कर देगा, जो कि 1 या 2 गोली आपको लेनी होगी। और वो एंटीवायरल ड्रग जो होगी वो आपके शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस के नंबर्स को काफ़ी कम कर देगी, काफ़ी कम मतलब बहुत कम कर देगी। देखिए, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, सेकेंड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और आपको कन्फर्म हो गया है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ही है, और आप बोल रहे हैं कि सर मेरी लीवर फंक्शन की रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं एकदम हेल्दी हूँ, जिम करता हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं एकदम अपने फ्रेंड जैसा नॉर्मल फील कर रहा हूँ, जो कि जिसको कि हेपेटाइटिस बी नहीं है, तो मैं क्यों ट्रीटमेंट लूँ? नहीं, देखिए अभी फ़िलहाल आपके खून की एक बूंद के अंदर अगर 50,000 वायरस है तो 20 साल बाद ये वायरस जो होगा वो आपके लीवर को काफ़ी डैमेज कर देंगे, राइट? लेकिन अगर आप एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, मतलब कि जो वायरस को मारने की गोली होती है, वो चालू करेंगे तो जो वायरस का नंबर आपके खून के अंदर 20 या 50,000 है वो जस्ट 100, 150, 120 ही रह जाएगा। और इतना कम जब लेवल रह जाएगा वायरस का तो पूरी लाइफ निकल जाएगी और आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अभी समझ में आ गया कि क्यों एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट जो होता है वो लेना चाहिए। एक सेलिब्रिटी एग्जांपल देता हूँ, अमिताभ बच्चन को कुली फिल्म की शूटिंग के टाइम पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको बहुत सारा ब्लड चढ़ाना पड़ा। अब उस टाइम पे आई थिंक 1980s की बात है ये, उस टाइम पे हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नहीं होता था, जैसे कि आपको, आप पेशेंट हो और आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो डॉक्टर बोलेगा भाई ब्लड बी ग्रुप ब्लड का अरेंज करो, आपके रिलेटिव जाके ब्लड बैंक से ब्लड लेके आ जाएंगे। तो उस ब्लड को HIV के लिए टेस्ट करा जाता है, आजकल हेपेटाइटिस बी के लिए भी टेस्ट करा जाता है, हेपेटाइटिस सी के लिए भी टेस्ट करा जाता है। जब वो नेगेटिव होता है तो ही हम लोग पेशेंट को वो ब्लड देते हैं, लेकिन वो टाइम पे हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नहीं होता था, HIV का शायद होता हो, नहीं होता आई डोंट नो, बट हेपेटाइटिस बी का टेस्ट तो नहीं होता था। तो उनको बहुत सारा ब्लड चढ़ा, उसी टाइम पे ही गॉट दिस इन्फेक्शन एंड ही इज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव राइट नाउ ऑल्सो, बट ही इज लिविंग नॉर्मल लाइफ, हिज लीवर इज हैविंग सिरोसिस ऑल्सो। उनको सिरोसिस मतलब लीवर खराब होने वाली कंडीशन भी है, उनका लीवर आई थिंक कुछ 60-70% तक तो सिरोसिस बन गया उसके अंदर, बट ही इज लिविंग नॉर्मल लाइफ। तो यही चीज़ होती है कि आप भी प्रॉपर केयर से और ये सब चीज़ों से आप नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। रिसेंटली अभी मेरा एक पेशेंट था, 1 या 2 पेशेंट में ऐसा हुआ कि उनका सर्जरी से पहले रिपोर्ट करवाई ब्लड टेस्ट और उसमें पता लगा पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। मैंने पेशेंट से पूछा, मैंने कहा आपको पता है? उसने बोला हाँ मुझे पता है, और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा था, डॉक्टर ने बोला अरे तुम्हारा, तुम तो एकदम हेल्दी हो जाओ, खाना पियो, खाओ, मस्त रहो। मैंने कहा नहीं, अगर आपका डॉक्टर ये रिपोर्ट देख के ऐसे बोल रहा है कि खाना पीना खाओ और घर जाके ऐश करो तो फिर वो डॉक्टर नहीं है। आप प्रॉपरली किसी क्वालिफाइड डिग्री होल्डर डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। देखिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना क्यों जरूरी है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छी से समझाया कि वो वायरस का जो लोड होता है उस 50,000 एक बूंद के अंदर जो वायरस है उनको कम करके वो 15-20 ही कर देगा, तो आप एकदम नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। तीसरी बात, सर मैं तो अनमैरिड हूँ, मैं शादी कर सकता हूँ क्या? तो हाँ आप शादी कर सकते हैं, बट आपको अपने पार्टनर से, आपके डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए कि अगर मैं शादी करता हूँ तो कितने % चांसेस हैं कि मेरे होने वाले बच्चे में इन्फेक्शन नहीं हो। अब आजकल जो ट्रीटमेंट है उसमें वो बच्चों में इन्फेक्शन बिल्कुल प्रिवेंट कर लेते हैं, अगर प्रॉपरली केयर करी जाए तो डेफिनेटली प्रिवेंट कर लेते हैं बच्चे में इन्फेक्शन, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी इन्फेक्शन आ सकता है, राइट? अच्छा, सपोज एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पर्सन किसी ऐसे पेशेंट के, ऐसे पर्सन के साथ सेक्स कर रहा है जिसको कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग चुकी है, तो क्या ये वायरस उसमें पहुंच जाएगा? तो चांसेस है पहुंच जाएगा, लेकिन वो वायरस उसके अंदर सर्वाइव नहीं करेगा। HIV जैसा नहीं है कि पहुंच गया तो अब तो होके मारेगा, नहीं। अगर कोई हेपेटाइटिस बी वाला है जो कि सेक्स कर रहा है जिसको कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग चुकी है पहले, तो उस के साथ अगर वो सेक्स करेगा तो उस तीसरे बंदे को हेपेटाइटिस भी नहीं होगा। इसीलिए हम डॉक्टर लोग ना हर 3-4 साल में एक बूस्टर शॉट ले लेते हैं हेपेटाइटिस का, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे पेशेंट की जब सर्जरी करते हैं तो कई बार होता है उनकी निडल जो होती है, सूचर टाका लगाने टाइम पे वो हमको चुभ जाती है उंगली में, फिंगर में प्रिक हो जाती है। तो हम लोग तो अपना जो इम्यूनाइजेशन स्टेटस है उसको अपडेट रखते हैं हमेशा, और
बच्चों में भी हम लोग यही करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको हम लोग हेपेटाइटिस बी का डोज तभी दे देते हैं, वो फर्स्ट मंथ के अंदर ही शायद फर्स्ट डे पे उनको मिल जाता है, और फिर वो 0-6 वो एक महीने बाद, फिर 6 महीने बाद वो सारा डोज उनका इम्यूनाइजेशन वो पैदा होते टाइम पे कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए पहले बहुत पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलते थे, बाद में उनको लीवर फेल हो जाता था। 20% मैंने बताया, 20% भी जब आप इतनी सारी करोड़ों की पॉपुलेशन पे जाओगे तो 20% बहुत लोग हो जाएंगे, राइट। सो वो है, अब इंसिडेंस कम हो गया है। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में अगर आप बोलेंगे इस पूरे वीडियो की समरी क्या है, तो मैं बोलूँगा अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और इसके अंदर वो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट गोली चालू करते हैं, वो गोली डेफिनेटली लेनी चाहिए। गोली लेने से आपका वायरल लोड हमेशा कम रहे, और कुछ केसेस में तो वायरस एकदम जीरो हो जाता है, तो बिल्कुल चालू करनी चाहिए। बीच बीच में लीवर का अल्ट्रासाउंड या फिर लीवर का फाइब्रो स्कैन, ये देखने के लिए लीवर में फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है, ये करवाना चाहिए। ये डॉक्टर जब आपको एडवाइस करेगा तभी करवाना चाहिए, आपका डॉक्टर बताएगा आपको चलो अभी करवा लो, अब करवा लो तो करवाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से डेफिनेटली फायदा होता है। और दूसरा, एक हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, और हमेशा कभी भी आप किसी भी डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको उनको बता देना चाहिए कि आपको ये वायरस पॉजिटिव है, ताकि आपको वो दवाई नहीं देंगे जो कि लीवर पर असर करे, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर हमको लीवर का स्पेशल ध्यान रखना होता है। लीवर ऑलरेडी वायरस लीवर को कमज़ोर बना देता है, तो हमको ऐसी चीज़ कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो कि लीवर पर असर डाले, जैसे कि हायर एंटीबायोटिक्स हो गया, हायर लेवल के पेन किलर्स हो गए, या फिर एक्सेसिव अल्कोहल हो गया, हम लोग दारू पिए जा रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ अ ब्रीफ, वेरी ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द हेपेटाइटिस, जो कि किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के एडवाइस को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। आपको मानना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के एडवाइस ही है, ये तो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, दैट इज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।